100 RC हेलीकॉप्टर्स। ग्वालियर में गंगू नाम का एक चोर रहता था। वो एक बार चोरी करने के लिए एक फैक्ट्री में गया। उस फैक्ट्री में एक बड़ा सा पैकेट था जो पैक किया हुआ पड़ा था। उसे देखकर, अरे वाह, लगता है कि ये कोई कीमती चीज है, नहीं तो इतना बढ़िया पैकिंग करके क्यों रखा है। यदि मैं इसे चुरा लूं तो सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, कहकर उसे लेकर अपने घर चला गया। घर जाकर उस पैकेट को खोलकर देखा तो उसमें 100 आरसी हेलीकॉप्टर्स थे। उन्हें देखकर गंगू दंग रह गया। ये क्या, अब मैं इन खिलौने वाले हेलीकॉप्टर का करूंगा क्या? यूं काफी देर तक सोचकर, हाँ, इन खिलौनों को बैटरी खत्म होने तक मैं उड़ाता हूँ। जो हेलीकॉप्टर जिस घर के ऊपर लैंड करे उस घर को लूट लूंगा, यानी अपने 100 दिन का काम पक्का। यूं वो 100 हेलीकॉप्टर उड़ाने लगा तो हेलीकॉप्टर जिस घर में भी वो लैंड करता वो उस घर पर राउंड या क्रॉस का निशान लगा के चला जाता, फिर उस घर पर चोरी करता और चोरी के पैसों से वो ऐश करने लगा। खाता था, पीता था, जहां मर्जी सो जाता था। एक दिन वो यूं सो रहा था कि एक गुंडों के गैंग ने आकर उसे उठाकर ले गए और एक खंडहर में उसे ले जाकर बांधकर कुत्ते की तरह मारा। उनकी मार खाकर कराता हुआ गंगू, अरे मुझे क्यों मार रहे हो भाई, अरे कमीनो, अरे बोलकर मारो कमबख्तो। तुमने परसों एक फैक्ट्री में चोरी किया था ना, वहां से एक बड़ा हेलीकॉप्टर का पैकेट उठाया था ना, जानते हो उसमें क्या था? हाँ, चोरी किया था। अरे हेलीकॉप्टर के पैकेट में हेलीकॉप्टर थे मूर्ख। कहते ही फिर से उसे 4-5 मारने लगे। वो अग्रवाल सेठ का फैक्ट्री है, उसमें उन्होंने अपना सारा काला धन को हीरे में बदलकर उसे उन हेलीकॉप्टर में छिपा कर रखा था और तुमने उन्हें चुरा लिया। बताओ उन हेलीकॉप्टर को कहाँ छिपाया है, उनमें रखे हीरे को तुमने क्या किया, कितने में बेचा, कितने बेचे, कितने बाकी हैं, कितने खा गए, क्या तुम उनकी कीमत जानते भी हो? गंगू हैरान हो गया। गुरु ये क्या कह रहे हो, वो हेलीकॉप्टर बच्चों को खेलने के खिलौने नहीं है, उनमें हीरे थे? अरे बाप रे, ये बात मैं नहीं जानता था, और उन सबको मैंने बैटरी खत्म होने तक उड़ाता रहा। जहाँ भी वो लैंड किए उन घरों में मैं चोरी करने लगा। यूं उसने अपना गेम प्लान बताया। फिर से उसे मारते हुए पहलवान, कमीने कीमती हीरों के साथ खेल रहे थे, ठीक है, अब उन्हीं घरों में जाकर उन हेलीकॉप्टर को चुरा कर ले आओ और मुझे सौंप दो, नहीं तो तेरे चाकू से 100 टुकड़े कर देंगे, कमीने, कहकर उसे वार्निंग दिया। यूं वो उन घरों में जाकर चोरी करके तकरीबन 99 हेलीकॉप्टर जमा करके ले आया, पर एक हेलीकॉप्टर नहीं मिला। उन हेलीकॉप्टरों को पहलवान को सौंपते हुए, सर गलती हो गई सर, ये लीजिए आपके 99 हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर कहाँ गायब हो गया पता नहीं चला सर, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दीजिए सर, आपके हर रोज की मार खा खा कर मेरा पुर्जा ढीला हो गया है सर, आपकी मार तो पुलिस की मार से भी खतरनाक है सर। अरे कमीने, उन 99 हेलीकॉप्टर के जो हीरे हैं उन्हें बाहर निकालने की चाबी उस 100वें हेलीकॉप्टर में ही है, वही इम्पोर्टेंट है, कमबख्त वो नहीं लाए तो तुम मेरे हाथों मरोगे। अरे नहीं लाया तो मरूंगा तो क्या करूंगा सर, मैं लेके आता हूँ, कहकर वो 100वें हेलीकॉप्टर को ढूंढने लगा तो उसने देखा कि जिस घर पर वो निशान लगाया था वो एक पुलिस वाला का घर है। ओ, ये क्या, आसमान से टपका और खजूर में अटका, अब उन गुंडों की मार से बचने के लिए पुलिस का मार खाऊं, क्या किस्मत है, कहकर पुलिस के घर में चोरी के लिए गया। हॉल में बैठा पुलिस वाला गंगू के आते ही, हैंड्स अप, तब गंगू हाथ उठाकर, सर मैंने तो अभी चोरी भी नहीं की तभी आप अरेस्ट कर रहे हैं। अच्छा तुमने अभी चोरी नहीं की, तो ठीक है कर लो, आराम से कर लो, मैं यहीं बैठा तब तक कॉफी पीता हूँ, तुम तब तक घर की सारी चोरी कर जाओ, मैं फिर तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। ये सुनकर गंगू, थैंक यू सर, आप जैसे ऑफिसर कोऑपरेट करें तो हम चोरों के लिए तो काम बहुत आसान हो जाएगा सर। तब पुलिस गुस्से में तिलमिलाता हुआ,
हे, गोली तेरे शरीर के आर पार कर दूंगा कमीने। वैसे पुलिस के घर चोरी करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू कोई साधारण चोर नहीं है। सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं एकदम साधारण कॉमन घटिया और ऑर्डिनरी चोर हूँ सर। मेरी बदनसीबी और मूर्खता आपके घर ले आई है सर, कहकर जो कुछ हुआ सब बताया। क्या, अपनी जान पर खेलकर तुम मेरे घर इस हेलीकॉप्टर खिलौने के लिए आए हो? चलो ठीक है, सारा डील सेट करते हैं, कहकर पूरा पुलिस फोर्स को लेकर पहलवान और उसके आदमियों को गिरफ्तार किया। उस सौवें हेलीकॉप्टर से चाबी निकाला और हेलीकॉप्टरों में से हीरे निकालकर दोनों ने आपस में बांट लिया और मजे से रहने लगे। ट्रक ऑटो स्विमिंग पूल। गौतमपुर नाम के गांव में रविंदर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो एक स्विमिंग पूल चलाता था और बच्चों को स्विमिंग सिखाता था। एक दिन उसके स्विमिंग पूल पर चमनलाल नाम का एक व्यापारी आया। उसने उसमें स्विमिंग कर रहे बच्चों को देखा। रविंदर से चमनलाल, ए रविंदर, तुम मेरे दुकान पर काम करने वाले लड़कों को बिगाड़ रहे हो, तुम्हारे कारण मेरा काफी नुकसान हो रहा है, वे सब काम पर देरी से आ रहे हैं। चमनलाल सेठ, मैंने बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए इसे बनाया है, थोड़ी देरी होने पर भी स्विमिंग करने के कारण वे और चुस्ती से काम करेंगे, इसके कारण आपका नुकसान नहीं फायदा ज्यादा होगा। तुम अपनी गलती का अच्छा तकरीर दे रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम गरीब बच्चों को मुफ्त में ही तैराकी सिखा रहे हो, इससे उनमें नई नई इच्छाएं पैदा होंगी, आज स्विमिंग करेंगे, कल पढ़ाई, परसों नौकरी, तो फिर मेरे पास काम करने कौन आएगा? बोलो, यही तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है, चुपचाप इन गरीब बच्चों को मुफ्त में सिखाना छोड़ दो, वरना इसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। देखिए चमनलाल सेठ, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, आपसे जो बनता है कीजिए, देखता हूँ कि कल से तुम्हारे स्विमिंग पूल पर कौन आता है, कहकर तिलमिलाता हुआ वहाँ से चला गया। चमनलाल ने जाकर सरकारी अफसर और पुलिस वालों को ये बात सुनाई। उन्होंने रविंद्र के स्विमिंग पूल को ये कहकर बंद कर दिया कि उसका परमिशन नहीं है। बच्चे रविंद्र के पास आए, दादा स्विमिंग पूल बंद कर दिया, अब हम स्विमिंग कैसे सीखेंगे, हम कहाँ जाएं? उनकी बातें सुनकर रविंद्र सोच में पड़ गया। और तुम लोगों को स्विमिंग पूल के पास आने की जरूरत नहीं है, कल से स्विमिंग पूल तुम्हारे घर के पास आएगी। रविंद्र एक ट्रक ऑटो के पीछे स्विमिंग पूल को जोड़कर बच्चों के घर के पास गया। बच्चे उस ट्रक ऑटो स्विमिंग पूल को देखकर बहुत खुश हुए। सब बच्चे उसमें उतरकर स्विमिंग सीखने लगे। रविंद्र का ट्रक ऑटो स्विमिंग पूल बहुत प्रबल हुआ। ये जानकर चमनलाल रविंद्र के पास फिर आया। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी है, तुम्हें कितना समझाया पर तुम इन्हें बिगड़ने से बाज नहीं आओगे, अब तुम्हें जिस तरीके से ये बात समझ में आए मैं तुम्हें वैसा ही समझाऊंगा, कहकर वहां से चला गया। चमनलाल गांव के कुछ गुंडों से मिलकर उन्हें, अरे रविंद्र के स्विमिंग पूल का नाश करना है, ऐसा कहा। उन बदमाशों को लेकर चमनलाल रविंद्र के ट्रक के पास आया। उसे देखकर बदमाश, ए रविंद्र, सुना है तुम चमन सेठ के खिलाफ हरकत कर रहे हो, तुम्हारी ये हिम्मत, चुपचाप स्विमिंग पूल बंद कर दो, वरना तुम हमें नहीं जानते, इसको अभी इसी वक्त तोड़ फोड़ देंगे। ये सुनकर रविंद्र बहुत गुस्से में, जो करना है करो। वे सारे गुंडे ट्रक को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। तब उस ट्रक के सामने उन बदमाशों के पत्नी और बच्चे आकर खड़े हो गए। उन्हें देखकर वे बदमाश, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तब वे बदमाशों के बच्चे, रविंदर चाचा हमें स्विमिंग मुफ्त में सिखा रहे हैं और ये चमन सेठ कहता है कि हम गरीब हैं और हम सबको उसके पास ही काम करना चाहिए, कहते हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए और इसे बिगाड़ने के लिए आप लोगों को ले आया, ये हमारा स्विमिंग पूल है, इसे तोड़ने से पहले हमें मानना होगा, बाद में इसे तोड़िए। ये सुनकर बदमाश चमनलाल को गुस्से से देखते हुए, क्या हमारे बच्चे सच कह रहे हैं? उनको गुस्से में देखकर चमनलाल वहां से भागा। तब बच्चों ने उसे घेर लिया और उसे पकड़कर खूब मारा। चमनलाल अपने आप को बचाकर वहां से भाग गया। अगले दिन से रविंद्र घर घर जाकर स्विमिंग पूल ले जाने लगा। सब बच्चे मजे से स्विमिंग करने लगे।